वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात तथा समानुपात। इस टॉपिक से हर एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके पहले हम इसके 4 पार्ट्स देख चुके थे, तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे वे प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन पर क्लिक करें ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 में पूछा गया था। यह हमारा क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, उन संख्याओं का योग क्या है। यह हमारा क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं के बारे में, फर्स्ट एंड सेकेंड। कह रहा है कि उनका अनुपात 10:7 है और कह रहा है कि उनका अंतर 105 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा अंतर क्वेश्चन में दे रखा है 105, पर अगर हम देखें तो हमारा अंतर आ रहा है 3 और योग आ रहा है 17। योग कितना आ रहा है? 17। और हमारा अंतर दे रखा है 105, यानी कि 3 यूनिट्स बराबर 105, बिकॉज यहाँ पे अंतर 3 और यहाँ पे हमारा अंतर दे रखा है 105, यानी कि 3 यूनिट्स बराबर 105। इस तरह से फिर हमसे पूछ रहा है योग, योग यानी कि यहाँ पे योग है 17, तो 17 यूनिट्स बराबर कितना हो जाएगा, 105 गुना 17/3 यानी कि 595, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर 105 है, बट यहाँ पे हमारा देख रहे थे कि अंतर आ रहा है 3, यानी कि 3 यूनिट्स बराबर 105। फिर हमसे पूछ रहा है कि उनका योग क्या होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं 17 हो रहा है, यानी कि 17 यूनिट्स बराबर हमें निकालना है, 105 गुना 17/3 यानी कि 595। इसे हम चाहते तो दूसरे तरीके से कैसे बना सकते थे, हम मानते कि पहला संख्या 10x है, दूसरा संख्या 7x है, उसके बाद दे रखा था कि उनका अंतर 105 है, यानी कि 10x माइनस 7x इक्वल टू 105, 3x इक्वल टू 105, x इक्वल टू 35 आ गया। फिर पूछ रहा उन संख्याओं का योग, तो हम देख रहे हैं पहला संख्या इक्वल टू 10 इंटू 35 यानी कि 350, दूसरा संख्या इक्वल टू 7 इंटू 35 यानी कि 245। तो दोनों संख्याओं का योग की बात की जाए, फर्स्ट प्लस सेकेंड यानी कि 350 प्लस 245 यानी कि 595, ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख रहे होंगे ये जो आपका मेथड, जो हमने आपको सेकेंड मेथड बताया एक्स मान के, उसमें हम देख रहे थे कि बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़े और बहुत ज्यादा टफ हो गया, पहले फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों संख्या का वैल्यू भी निकालना पड़ा, बट जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया उसमें नहीं आपको फर्स्ट नंबर निकालने पड़े ना ही सेकेंड नंबर, डायरेक्टली आपका दोनों का सम ही निकाल गया। तो आप देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो ज्यादा इजी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, जो कि आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2013 में पूछा है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का 5.5 बराबर बी का 0.65 है तो ए रेशियो बी बराबर क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए का 5.5 यानी कि ए इंटू 5.5 बराबर बोल रहा है बी का 0.65 यानी कि बी इंटू 0.65, तो हमसे पूछ रहा है ए रेशियो बी बराबर क्या होगा। तो ए रेशियो बी जिसे हम यानी कि ए बाई बी, तो ए बाई बी इक्वल टू क्या हो गया, 0.65 डिवाइडेड बाई 5.5 यानी कि 65 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 55 ऊपर में हो गया मल्टीप्लाई 10 से। इस तरह से हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा 13/110 यानी कि ए रेशियो बी इक्वल टू 13:110 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा था ए का 5.5 बराबर बी का 0.65 है तो ए रेशियो बी क्या होगा। तो ए का 5.5 हो गया बराबर कर रहा बी का 0.65 यानी कि बी इंटू 0.65, उससे उसके बाद हमसे पूछ रहे थे ए रेशियो बी यानी कि ए बाई बी, तो ए बाई बी इक्वल टू क्या हो गया 0.6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर किया जाए तो ए बाई बी इक्वल टू हो गया 0.65/5.5। इस तरह से हमने सॉल्व किया तो ये हमारा है 13/110 यानी कि ए रेशियो बी बराबर 13:110 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, जो कि आपको एसएससी एफसीआई ग्रेड 3 2012 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वह संख्या समानुपाती हो जाए। इसको बनाने के आपके दो तरीके हैं, एक सबसे पहला तो ऑप्शन मेथड जो कि आपका इजी होगा, सेकेंड आप इसे एक्स मान के भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाई ऑप्शन, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वह संख्या समानुपाती हो जाए। तो समानुपाती होने का कंडीशन क्या हो जाता है, अगर हमारा रेशियो ए रेशियो बी डबल रेशियो सी डबल रेशियो डी होता है तो इसका कंडीशन क्या होता है,
ए मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई सी होता है। तो हम इसे बाई ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे टू दिया हो तो हम सेवन प्लस टू करें, अगर हम सारे में बिकॉज बोलो सारे में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो हम सबसे पहले टू जोड़े ऑप्शन नंबर ए से, अगर देखा जाए तो सेवन प्लस टू मल्टीप्लाई बाई 79 प्लस टू इक्वल टू 16 प्लस टू मल्टीप्लाई बाई 43 प्लस टू, इस तरह से ये हमारा हो गया 9 मल्टीप्लाई बाई 81 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाई 86। आप देख रहे हैं ये हमारा इक्वल कभी नहीं होगा। उसी तरह से हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे, अगर हम ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 को चेक करते तो हम देख रहे हैं ये हमारा हो गया 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 79 प्लस 5 इक्वल टू हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 16 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 43 प्लस 5, तो ये हमारा हो गया 12 मल्टीप्लाई बाई 84 इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 48। तो आप देख रहे हैं ये हमारा इक्वल हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसमें हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल होने का एक कंडीशन होता है, क्या होता है फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई लास्ट इक्वल टू दोनों मिडिल का मल्टीप्लाई, तो वही हमने किया, हमने ऑप्शन से इसे चेक कर लिया। इसके सेकेंड मेथड क्या है, हम इसे इसमें सारे में जो थिंक करेंगे कि सारे में एक्स जोड़ा, तो ये हमारा क्या आ गया 7 प्लस एक्स रेशियो 16 प्लस एक्स रेशियो रेशियो 43 प्लस एक्स रेशियो हो गया, रेशियो क्या हो गया 79 प्लस एक्स। उसके बाद हम इसे बाय प्रोपोर्शन के नियम से अगर सॉल्व करें तो ये हमारा हो रहा है 7 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 79 प्लस एक्स इक्वल टू 16 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 43 प्लस एक्स। उसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारा काफी लॉन्ग जाने वाला, 79 मल्टीप्लाई बाई 7 करना पड़ेगा, 43 मल्टीप्लाई बाई 16 करेगा, आप इसे भी सॉल्व करके देखो तो हमारा आएगा x इक्वल टू 5। तो आप देख रहे हैं ये हम अगर बाई ऑप्शंस मेथड, बिकॉज एग्जाम में टाइम की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, इसलिए हम टाइम बचाने के लिए बाई ऑप्शन इसे बनाया, तो इसमें हमारा टाइम की बहुत बचत होगी। तो हमने वही किया, बाई ऑप्शन बनाया, तो आप इसे 3 से भी चेक कर सकते हो, 1 से भी चेक कर सकते हो, सारे में से कोई आपका इक्वल नहीं आएगा बट 5 जो है आपका इक्वल आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात 9:7 है, इनमें छोटी पूर्णांक क्या है। ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक 1 एंड 2, कह रहा है उनका गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात 9:7 है, अनुपात दे रखा है 9:7 और दोनों का गुणनफल दे रखा है 1575। तो हमने माना कि हमारा अनुपात 9:7 है, तो हमने माना कि हमारा फर्स्ट संख्या 9x सेकंड संख्या 7x, उन दोनों का गुणनफल 1575 दे रखा है, यानी कि 9x into 7x equal to 1575, तो 63x equal to 1575, 63x square equal to 1575, इस तरह से हमारा है x square equal to 1575 by 63, यानी कि x equal to 5, x equal to 5 आ गया, और हमसे पूछ रहा है छोटी पूर्णांक, तो छोटी क्या होगी 9x या 7x, 7x छोटी होगी तो छोटी पूर्णांक 7x है, तो 7 multiply by 5 यानी कि 35 ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने दोनों संख्याएं के रेशियो दे रखा था 9:7, तो हमने माना कि पहला संख्या 9x दूसरा संख्या 7x, फिर दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा है 1575, तो 9x इंटू 7x इक्वल टू 1575, इस तरह से 63x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1575, तो x इक्वल टू आया 5, और हमने दे रखा है कि छोटी पूर्णांक हमसे निकालने बोल रहा है, यानी कि 7x बोल रहा है, तो 7x में हम x का वैल्यू पुट किए तो 7 इंटू 5 यानी कि 35 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आपको एसएससी जीडी एग्जाम 2013 में पूछा है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है यदि ए इक्वल टू बी का 2/3 और बी इक्वल टू सी का 4/5 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू है बी का 1/3 यानी कि बी इंटू 2/3, उसके बाद बोल रहा है बी इक्वल टू सी का 4/5 यानी कि बी इक्वल टू सी इंटू 4/5, तो हमसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ए बी एंड सी मालूम होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं ए इक्वल टू है बी इंटू 2/3, तो हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी इक्वल टू क्या हो गया 2:3। आप देख सकते हो ये हमारा अगर ए बाई बी इधर चला गया तो ये 2/3, इस तरह से ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। फिर हमारा दे रखा है बी इक्वल टू सी का 4/5 यानी कि बी इक्वल टू बी रेशियो सी हो जाएगा 4:5।
हमें ए रेशियो बी मालूम है 2:3, बी रेशियो सी मालूम है 4:5, तो हम यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल आसानी से निकाल सकते हैं। तो कितना हो गया, सी के लिए 15, बी के लिए 4 एंड 3 का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 12, ए के लिए 4 × 2 यानी कि 8, यानी 8:12:15। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा था ए इक्वल टू बी का 2/3 एंड बी इक्वल टू सी का 4/5। तो हम यहाँ से ए रेशियो बी निकाल दिए जो कि आया 2:3, बी रेशियो सी निकाला जो कि 4:5 आया। उसके बाद हम यहाँ से आसानी से ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकते हैं 8:12:15। ये जो हमने किया ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकाला, ये आप हमारे रेशियो के ही फर्स्ट सेकेंड पार्ट्स में देख सकते हो, उसमें हमने आपको इसे आसान और भी अच्छे से बताया, बेसिकली बताया, तो आप उस पार्ट्स में हमारे इसे आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51 जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, 122 थैलों में गोलियों का अनुपात 2:3 है, 22 थैले से 5 गोलियां निकालकर एक थैले में डाल दी गई। अब हर थैलों में गोलियों की संख्या बराबर है, अब हर थैलों में गोलियों की संख्या क्या है, ये हमारा क्वेश्चन क्या रहा है कि 122 थैले हैं उसमें गोलियों का अनुपात है 2:3, कह रहा है 22 थैले से 5 गोली निकाल दिया, 22 से 5 गोली हमने निकाल दिया यानी कि -5 हो गया और उसे x में डाल दिया यानी कि x में +5 हो गया। अब हर थैलों में गोलियों की संख्या बराबर हो गई तो गोलियों की संख्या क्या है, तो हमने माना कि x थैलों में गोलियों की संख्या है 2x, y थैलों में गोलियों की संख्या 3x। फिर हमारा क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि 22 थैले से 5 गोली निकाल दिया यानी कि 3x-5 हो गया और उसे x में डाल दिया यानी कि 2x+5 हो गया, कह रहा अब दोनों थैलों में गोलियों की संख्या बराबर है यानी 3x-5 = 2x-2x+5। यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं 3x-2x = 5+5 यानी कि x = आया 10। फिर हमसे पूछ रहा है कि अब हर थैलों में गोलियों की संख्या क्या हो गई, तो अब हर थैलों में गोलियों की संख्या के बारे में पूछ रहा है यानी कि जो कम और बढ़ा के किया यानी कि 2x-2x+5 या फिर कर सकते 3x-5, तो 2x+5 हो कितना गया, तो 2×10+5 यानी कि 25। ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि 122 थैले हैं, दो थैले हैं जिसमें गोलियों का अनुपात है 2:3, 22 थैले से 5 गोली निकालकर एक थैले में डाल दी गई, अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो गई, तो हर थैलों में गोलियों की संख्या क्या हो गई, तो हमने माना कि x थैलों में गोलियों की संख्या है 2x, y थैलों में गोलियों की संख्या है 3x। फिर हमने क्या बोल रहा था कि 22 थैले से 5 गोली निकाल के x थैले में डाल दिया तो दोनों की संख्या बराबर हो गई यानी कि 3x में 5 घटा दिया और 2x में 5 जोड़ दिया तो दोनों की संख्या बराबर हो गई यानी 3x-2x = 5+5। इस तरह से हमारा x = 10। तो हमसे पूछ रहा है हर थैलों में गोलियों की संख्या क्या होगी यानी कि 2x+5 बराबर पूछ रहा है, तो 25 आप चाहते तो 3x-5 भी निकाल सकते थे, तो 3×10-5। इस तरह से ये हमारा हो गया 25 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52 जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2005 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्याएं 2/3 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है, संख्याओं का योग क्या हो गया, क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं उनका अनुपात है 2:3, अगर पहली संख्या में से अगर हम 2 घटा लेते हैं, पहली संख्या में से 2 घटा लेते हैं और दूसरी संख्या में 2 जोड़ देते हैं तब उनका अनुपात क्या हो जाता है, 1:2। तो हमसे पूछा संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमने माना कि पहली संख्या थी 2x एंड दूसरी संख्या थी 3x, पहली संख्या थी 2x एंड दूसरी संख्या थी 3x। कह रहा है कि पहली संख्या में 2 घटा दिए यानी 2x-2 कर दिए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिए डिवाइडेड बाई 3x+2 किया तो दोनों का रेशियो हो गया 1:2। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 2x-2 = 3x+2। इस तरह से हमने x का वैल्यू निकाला तो हमारा x = 6। तो हमसे पूछा संख्याओं का योग क्या होगा, तो सबसे पहले पहली संख्या होगी क्या 2x यानी 2×6 यानी कि 12, सेकेंड संख्या यानी कि 3×6 यानी कि 18, तो दोनों संख्याओं का जोड़ कितना हो गया फर्स्ट प्लस सेकेंड यानी कि 12+18 यानी कि 30। ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही, ये हमारे 500 क्वेश्चंस की सीट होगी, हमने आज आपको क्वेश्चन नंबर 52 तक बताया। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देन बाय एंड टेक केयर।